नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। और आप सब शुभ मंगल हिसाब किताब में होंगे, यही मेरी प्रार्थना है। और जैसे हम हर बार बात करते हैं, तो आज भी मैं उन 7 आदतों की बात करूंगा जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। और ये इम्पैक्ट जो है, आपकी आदतें अगर सेम रही, प्रॉपर रही, तो ये जो सुधार है ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा और आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे लेवल पे चेंज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और यही चीज़ दूसरों को भी आपके माध्यम से छुएगी। और आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ, एक बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसको लिखा है स्टीफन कोवी साहब ने। ये बहुत प्रख्यात राइटर हैं, ओरेटर हैं, यूएस के हैं। और इनकी ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये बहुत ही फेमस हुई है, बहुत ही बिकी है। और इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और अपने लाइफ में ये जो हैबिट्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला जो हैबिट है, पहली जो आदत है, वो है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव के मायने ये है कि आप कंट्रोल करोगे अपने आपके मन को, आपके विचारों को, और किन किन विचारों को, किन किन लोगों की बातों को, किन किन चीज़ों को, किन किन विचारधारा को, किन किन पॉजिटिव एक इम्पैक्टफुल चीज़ों को आप अपने दिमाग में लेते हो। और ये करने से आप एक एक्नॉलेजमेंट करते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी एक इन्फ्लुएंस को। तो सबसे पहला ये होता है एक इंट्रोस्पेक्शन, या एक अंदर से जो एक सोचना या चेंज करना। और जब आप अंदर से सोचना या चेंज करना या समझना या रीड करना शुरू करते हो, तब आप डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आदत है जो आपको अंदर से इसके ऊपर काम करना है। और ये जो आदत है, इसको आपने रेगुलर निरंतर काम करना है, क्योंकि आप खुद आपके लाइफ के आर्किटेक्ट हो, आप खुद शिल्पकार हो आपके जीवन के। दूसरी आदत है बिगिन विथ एंड इन माइंड, मतलब आप कोई भी चीज़ शुरू करो तो पहले उसके अंत के बारे में सोचो। अंत के मायने ये है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, क्या लेना या कमाना या प्राप्त करना चाह रहे हो, ये आपको पहले सोचना होगा। डिसीजन आज ऐसे लेने होंगे आपको, जो कंसिस्टेंटली कंसिडर करना होगा कि आने वाले दिनों में आप कहाँ होंगे। और ये थोड़े से जनरल हिसाब के डिसीजन होंगे, जो निटिग्रिटी छोटे वाले नहीं, बट एक मेजर जो आपको गाइड करेंगे उस तरीके के ये विचार या सोच या जो भी है, ये आपने पहले सोच के चलना है बिफोर यू टेक अप अ स्टेप। तीसरी जो आदत है वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब आपने प्रायोरिटाइज करना है कि आपको जो, जैसे दूसरी दूसरा जी आदत जो जो आदत थी कि भाई जो एंड सोच के चलना है, तो वो एंड सोच लिया। अब उस एंड के पहले जो जर्नी है, उस एंड के पहले का जो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक बाय ब्लॉक जो प्लान है, वो आपको सेट करना है। और वो सेट करने के साथ में आपने उस प्लान को ऑनेस्ट रहना है, उस प्लान को आपने एक डिसिप्लिन को लेकर के चलना है। और जो आपने अपने आप को वचन दिया है कि मैं सुबह 5 बजे उठ कर के मेरा दिन शुरू करूंगा, पहले मैं 1 घंटा इधर एक्सरसाइज करूंगा या ध्यान करूंगा या वीडियो देखूंगा या बुक पढ़ूंगा या
मंत्रोच्चार करूंगा, या मैं सैर के लिए जाऊंगा, वॉक के लिए जाऊंगा, जॉग के लिए जाऊंगा आने के। तो ये आपने एक डिसिप्लिन है, ये आपकी एक टाइम टेबल है, वो आपने सेट करना है। और ये सारा जो टाइम टेबल सेट करोगे, एक्टिविटी सेट करोगे, ये उस बड़े वाले प्लान के लाइन पे होगा, अधीन होगा। तो इससे अगेन आपका जो पहला विचार था इंडिपेंडेंस का, वो आप अब क्या कर रहे हो, विद इन इंडिपेंडेंस इन डिसिप्लिन्स के साथ में आप इंटरडिपेंड होते हो, पर ये सारा आपके विदिन में, आप किसी थर्ड पार्टी या आपके बाहर कहीं किसी पे भी आप डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपने आप को एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर्ड, एक लॉजिकल, एक टाइम टेबल वाला बंदा या बंदी बना करके आप आगे बढ़ रहे हो। चौथी जो आदत है वो कहती है थिंक विन विन। अब सीन ये है कि आप ऐसे काम करो, ऐसे विचार करो, ऐसी आपकी डे टू डे एक्टिविटी हो जिससे एक तो किसी का नुकसान ना हो, दूसरा पहले आपका नुकसान ना हो, और चीज़ें इस तरीके से करो कि आपके करने से, आपके बोलने से, आपके सोचने से, आपके व्यवहार से कहीं ना कहीं किसी और को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो, किसी और को भी एक वैल्यू ऐड मिले। तो होगा क्या, वो लोग भी आपकी जो एक्शन रिएक्शन है, जो आप बातें करते हो, सुनते हो, सोचते हो, कह जाते हो, नहीं कह जाते हो, उनसे वो एक एक लर्निंग लेंगे और समझेंगे कि ये बंदा जो कर रहा है इसमें ये ना के सिर्फ खुद का ध्यान रख रहा है बट आसपास वालों का भी कहीं ना कहीं सोच करके या कंसिडरेशन लेकर के चल रहा है। तो उससे होगा क्या कि उससे आपकी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ेगी। पांचवी जो आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब इसमें कैसा है कि आप जो आपके डेली रूटीन के जो लोग हैं जिनसे आप इंटरैक्ट करते हो या आपसे वो इंटरैक्ट करते हैं, प्लस जो दूसरे नए सेकंड सर्कल वाले अगर जो होंगे, तो होगा क्या कि आप जब भी कॉन्वर्जेशन करते हो तो आप पहले उनको समझो, उनके विचार को समझो, उनकी एक्टिविटीज़ को समझो, उनकी स्थिति परिस्थिति को समझो। और ये करने के लिए आपने मान लो थोड़े से प्रश्न पूछ लिए और उन्हीं की मुखवाणी से सुना कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो होगा क्या कि वो अपने बारे में आपको कह रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं उनके बारे में, अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो तरीका है, जो स्टेप्स हैं, वो आप उस तरीके से लें कि आपको पता कि ये बंदा, ये बंदी इस तरीके से सोचता है, इस तरीके से हरकत है, इसकी ये लिमिटेशन है, आप उस तरीके से फिर आप अपना बिहेवियर करोगे ताकि उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। छठी जो आदत है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज के मायने ये है कि आप की जो एक तो इंडिपेंडेंट हो आप, पर इंटरडिपेंडेंस जो है आपकी, या लोग आपके तरफ देखते हैं एक आशा के साथ में, और आपको उनकी डेली रूटीन का एक हिसाब किताब या एक पार्ट मानते हैं कंस्ट्रक्टिवली, तो होगा क्या कि वो एक डिपेंडेंसी भी जो है वो एक जोड़ने वाला काम करती है। और जब आपके साथ थोड़ा सा लोग जुड़ते हैं, भले ही एट अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिग्री, डिफरेंट विड्थ, पर कहीं ना कहीं आपकी जो एक ताकत है वो बढ़ती है, वो आपको मजबूत करती है, आपकी सोच को मजबूत करती है, आपके इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा मजबूत करती है। तो आप ये सिनर्जी वाला जो एक एलिमेंट फिनोमिनन है, एक आदत है, इसको आप साथ में लेकर के चले, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाएं। सातवीं जो आदत है वो है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ के मायने ये है कि आप अपने आप को रोज, आपके ब्रेन को, आपकी थिंकिंग को, आपकी बॉडी को, आपके नॉलेज को, आपके बिहेवियर को, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को, आपके बाहरी एक पर्सनालिटी का जो एक ऑरा होता है, उसको आप रेगुलरली इम्प्रूव कीजिए, उसके ऊपर एक्सरसाइज कीजिए, उसको अलग अलग प्रैक्टिसेस दीजिए, ताकि आपका जो एक लेवल है वो एक ऊपर उठे, एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप ऊपर उठे, एक लेवल ऊपर उठे। ये करने से भी क्या होगा कि लोग आप
को और रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे कि भाई ये जो बंदा है या बंदी है ये एक रूटीन या आम या एक कोई साधारण बंदा नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है, इसमें एक डेप्थ है, इसमें एक गहराई है। और ये जब रिस्पेक्ट बढ़ेगी तब आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, उनको उनको आपके तरफ आकर्ष होगे इस तरीके से कि भाई ओवरऑल जो है आपकी सिनर्जी, उनकी सिनर्जी, आपकी जो एक रिस्पेक्ट है, उनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये पूरा जो सामान है ये एक अलग इम्पैक्ट आएगा। अब ये सब करने से, ये सात आदतें प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि आप जहाँ पे हो अभी वहाँ से आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली। ऑल यू हैव टू डू इज एक्शन आउट ऑल दिस हैबिट्स, ये जो आदतें हैं इनको आपने रोज एक्शन में लाना है। और ये नहीं कि एक दिन आपने कर लिया फिर बाकी के छः दिन आप सो गए, ऐसे नहीं होता है। ये डेली जीने का एक पार्ट है, ये डेली जीने का एक रूटीन है जो आपको करना है। आपकी वाणी हो गई, आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर हो गया, आपकी डिसिप्लिन हो गया, आपकी पंचुअलिटी हो गई, आपकी एक रिस्पेक्टेबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ों का एक मिलाप है, एक मिलावट है, एक 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 संग्रह है। और ये रोज के रोज आपको चलाना है, रोज के रोज आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे आप ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, इन आदतों का भी ऐसे ही होगा कि ये आपका एक पार्ट हो जाएंगी। और इन आदतों के चलते आप एक ब्रांड बन जाओगे कि भाई ये बंदा रिस्पेक्टेबल है, ये बंदा रिलायबल है, ये बंदा एक क्वालिटी वाला बंदा है, इस पे डिपेंड कर सकते हैं हम। तो ये सात आदतें हैं जो स्टीफन कोवी साहब ने अपनी किताब में लिखी हैं, जिसको मैंने एक बहुत समरी फॉर्म में या टूक हिसाब किताब में आपको बताया। अगर आपको ये बुक को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस बुक को बाय करें। बाय करने के लिए मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में है। बाय करोगे तो ये बुक आपकी पास रहेगी, एक एसेट बनेगी, आप हाईलाइट करोगे, लिखोगे, बार बार रेफर करोगे। ये बुक आप एक एक लाइफ टाइम का एक गाइडेंस है आपके लिए। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स में कुछ लिखें क्या अच्छा लगा नहीं लगा, और मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और कौन सी अगर कोई बुक है इन पर्टिकुलर जो आप चाहते हो तो आई विल डू रीड रिसर्च एंड इस तरीके की एक छोटी समरी मैं आपके समक्ष ले आऊँगा, ताकि आप डिसीजन लें कि भाई आपने वो बुक लेनी नहीं लेनी। बट एटलीस्ट वो आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव अपॉन योर लाइफ, टू एड अ लिटिल बिट वैल्यू टू योर लाइफ, एंड देन वी इंक्रीज दिस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम इन वीडियोज़ के द्वारा अपने जो सर्कल है, आसपास के लोग हैं, इनमें हम एक और इम्प्रूवमेंट लाएं, और अपने आसपास का जो माहौल है, अपने आसपास का जो एक हिसाब किताब है, उसको हम और अच्छा बनाएं। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूं, और मेरी शुभ मंगल कामनाएं आपके साथ कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू।